हाँ जी, 10th क्लास बेटा हुण स्टार्ट करते हैं। जब आप 12th सम एक्सरसाइज 6.5 का स्टेटमेंट है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, के दो पोल आ, दो खंबे अपने कोल, एक दी हाइट 6 मीटर है, दूसरे दी हाइट 11 मीटर है, एक प्लेन ग्राउंड ते वो खड़े किए गए हैं, लाइक ए 6 मीटर ते ए 11 मीटर, राइट। ते नाल दिता आपां नूं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज़ 12 मीटर, दोनों दे फीट तो जोड़ा डिस्टेंस आओ किन्ना 12 मीटर, यानी कि जोड़ा डिस्टेंस आओ 12 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उन्हां दे टॉप दे विच किन्ना डिस्टेंस आ। मान लो कि इत्थों लैके ए वाला डिस्टेंस आपां ने की करना, निकालना वा। सो जदों भी ये डिस्टेंस आपां ने निकालना है बेटा, तो देखो जरा अगर असीं इहनूं ज्वाइन कर दिंदे आ, राइट, तो आ जिहड़ी फिगर है आपां नूं किन्नी दित्ती आ, 6 सेंटीमीटर आ ये पोल जिहड़ा, तो ये टोटल हैगी अपने कोल 11 मीटर। अगर इन्ने वाला ये इक्वल होगा, ये की होया 6 मीटर, तो ये वाली लेंथ किन्नी बचती है अपने को, 11 माइनस 6 कि आजगा 5 मीटर, क्योंकि टोटल दे विच इहनूं की कर देवांगे आपां माइनस। तो आ फिगर साडे कोल की बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। सो इहनूं यूज़ करके आपां डिस्टेंस निकाल लांगे इहनां दे टॉप दा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़ी जिहड़ी चीज़ गिवन आ, पहला आपां नेम दे लैणे फिगर नूं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। गिवन टू पोल्स, फर्स्ट वन है ए सी दैट इज़ 11 मीटर, और नैक्सट वन है ई डी दैट इज़ 6 मीटर, ठीक है। तो डी सी आपां नूं गिवन है 12 मीटर, ठीक है। सो आपां नूं पता है कि सानू पहला ए बी निकालना पैना, सो ए बी किवें निकलूगा, अगर आपां टोटल ए सी दे विचों बी सी नूं की कर देंगे माइनस, ए सी किन्ना 11, बी सी किन्ना 6, माइनस करांगे आ गया 5 मीटर। बहुत ही ईजी सम आ। तो हुण अगर देखो ये डी सी 12 है, तो भी बिल्कुल ये उपर ही है, इन्ना ही डिस्टेंस होगा, यानी कि भी किन्ना आ जाऊगा 12 मीटर। तो हुण साडे कोल बन जाती है ट्रीएंगल डी सी इक्वल कि पहला लिख दें ई बी दैट इज़ ऑलसो 12 मीटर। हुण अपने कोल ट्रीएंगल बन जाती है इन ट्रीएंगल ए बी ई, क्योंकि आपने ए ई निकालना है, तो ये हाइपोटीन्यूज आप निकाल लवेंगे। केड़ी थ्यूरम अप्लाई करांगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्यूरम। पाइथागोरस थ्यूरम का रिजल्ट की है, हाइपोटीन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। हुण हाइपोटीन्यू साडे कोल की आ, इत्थे ए ई जिहड़ा कि आपां ने निकालना है, परपेंडिकुलर ए बी और बेस दैट इज़ ई बी। ई ए ई दी वैल्यू आपां नूं नहीं पता, सो ए ई लिख लैंदे आ, चाहो तां एक्स वगैरह मन सकदे हो। तो ए बी साडे कोल आ गया 5 और ई बी साडे कोल आ गया 12। 5 दा स्केयर करांगे दैट इज़ 25 और 12 का स्केयर करेंगे दैट इज़ 144 प्लस करेंगे आप 169। तो 169 किन्ने का स्केयर होंगे बेटा जी, 13 का। सो बेस सेम है, सॉरी पावर सेम ने, बेस भी सेम हो चुका, यानी ए ई आ गया साढ़े को 13 मीटर, यानी कि इन्हों टॉप तो इस पोल तो इस पोल कि डिस्टेंस है टॉप तो 13 मीटर, राइट। बस स्टेटमेंट पर फोकस करना है, जो जो स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंगली आपने ड्रॉ कर लेना, तो ईजीली सॉल्व हो जाना।